डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इसे? सब ठीक तो हो जाएगा ना? घबराने की जरूरत नहीं, शी इज फाइन नाउ, लेकिन ठीक हो जाएगी। इसे चक्कर क्यों आ गया? इसे तो बुखार भी नहीं है। हो सकता है नींद की कमी की वजह से चक्कर आ गया हो, बट शी इज फाइन नाउ और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, सब ठीक हो जाएगा। कुशल बेटे, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। ओके ओके, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शी इज ऑल राइट नाउ, नो प्रॉब्लम। तुम बैठो, मैं अभी इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। ये सब क्या है पिया? तू अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? याद है उस आत्मा ने क्या कहा? आत्मा? किस आत्मा ने? उस दिन सीहोंस के वक्त उस जादुई बोर्ड पर वो बातें सच होने वाली है सुनीता। पिया पिया पिया, ये सारी बातें बकवास है पिया, इन पर यकीन करना छोड़ दे। शायद यही वजह कि तू इतना बीमार पड़ गई है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब एक वहम है। अब तो आराम कर, थोड़ा सो ले, मैं तुझे फोन करूंगी। अगर तू ठीक फील करेगी तो शाम को फेयरवेल पार्टी में जाएंगे, ठीक है? चलेंगे हम पार्टी में, तू मुझे पिकअप कर लेना, पहले ठीक हो जा। टेक केयर, चलते हैं। बाय। पिया, आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, और आज रात मैं ना सुनने के मूड में बिल्कुल ही नहीं हूं। बेटे तुम बाहर बैठी हो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना? मॉम आई एम फाइन। ठीक है चलो ये दूध पी लो। मुझे नहीं पीना, आप जानते हैं ना मुझे दूध पसंद नहीं, फिर भी आप। पिया देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं लेकर आई हूँ, और वैसे भी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा होता है। क्या हुआ मेरी सेहत को? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिया प्लीज मेरे लिए। और देखो मैं और राधिका कुछ देर के लिए बाहर जा रही हैं। टेक केयर बेटा। जी हाँ फाइन। अरे हाँ, आज तुम्हारे कॉलेज में कोई पार्टी है? पिया प्लीज तुम वहां मत जाना, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। जी मैं नहीं जाऊंगी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। बाय बेटा, सी यू।
दिया। तू तू मरने वाली है, बहुत जल्दी तू मरने वाली है पिया। पिया तेरा वक्त आ गया है पिया, तू तू मरने वाली है। क्या हुआ? What happened? और तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे पार्टी में नहीं जाना क्या? जा जल्दी तैयार हो करा तू। अरे पिया तैयार हो क्या ना? क्या हुआ पिया? तू भूल गई क्या? आज पार्टी है। मैं भूली नहीं, एक्चुअली पहले मैं आने नहीं वाली थी, लेकिन अब सोच रही हूँ कि चलूँ मैं तेरे साथ, वरना घर पे बैठ के अकेले अकेले मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। मेरी माँ तू तैयार हो जा। हाँ बस जा। 10 मिनट में अभी आई। Hi Kushal. क्या बात है? तू यहाँ अकेले क्यों खड़ी है? और मैं कब से देख रही हूँ, तू इतनी उदास क्यों है? तुम भूल गई क्या उस दिन जो तंत्र ज्ञान से हमने आत्मा को बुलाया था? क्या कहा था उसने? आज मुझे सुबह से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आई डोंट बिलीव दिस। तू उस बकवास बात पर यकीन कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पता क्या है? तू वो जो स्टूपिड बातें पढ़ती रहती है ना हमेशा, उसकी वजह से हो रहा है वो। पता नहीं क्या तंत्र विद्या और स्टूपिड बातें। सच कह रही हूँ सुनीता, मुझे यकीन है कोई ना कोई मेरे पीछे जरूर पड़ा है। सही बात है, तेरे पीछे तो जरूर कोई ना कोई पड़ा है, लेकिन सिर्फ एक बंदा, वो देख कुछ आज कैसे घूर रहा है। चल एंजॉय योरसेल्फ, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ, एंड चीयर अप। ओके कैसी हो? बहुत बुरी। पिया, तुमने कार्ड वापस कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन लेकिन सच्चाई तो ये कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुशाल, तुम अपने हद में रहोगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझे इन सब बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, और ना ही मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट। मेरी बात सुनो पिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ ना, तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते कुशाल? I hate you. नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सुन लिया? नफरत। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे पिया। बहुत जल्द तुम्हारे इस नफरत को भी प्यार में बदल दूंगा मैं। टैक्सी भैया, रोको भैया। भैया रोको।
पता कि आपको ऐसे देखे बिना चला रहे गाड़ी, कुछ हो। मैडम आपको टैक्सी में कहीं जाना है क्या? हाँ। सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। हैप्पी बर्थडे पिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। क्या थैंक यू? तो याद भी नहीं हो क्या तेरा बर्थडे था यार? नहीं ना। मैं तेरे लिए गिफ्ट लाई हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं ट्रीट लूँ, तगड़ा ट्रीट। अच्छा ये बता, कल तो पार्टी से इतनी जल्दी क्यों आ गई? अच्छा हुआ तुम आ गई सुनीता, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। मैं नहीं जानती कि तुम मेरा यकीन करोगी या नहीं। फिर वही जादू टोना वाली बात। ठीक है बता, कर लूंगी यकीन। रहने दे, वक्त आने पर बताऊंगी। हाँ
एक और बात, मैं कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर जा रही हूँ। क्या? हाँ, और मैं नहीं जानती कि मैं वापस कब लौटूंगी। क्या ये क्या मजाक है भैया? कहाँ जा रही है तू? भैया सिर्फ दो दिन बाकी हैं, फिर मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। तो क्या हुआ, ना तुम हमेशा के लिए जा रही हो ना मैं, लेकिन अब तो कॉलेज भी बंद हो गया, अब हम कैसे मिलेंगे और कहाँ? चलो एक वादा करते हैं एक दूसरे से, हम हर साल मेरे बर्थडे पर यही मिलेंगे, इसी जगह पर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि हमारा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन पिया। ये देखो इसमें कैंडल्स हैं, इन्हें कभी जलाना मत, अगर जलाओगी तो ये खत्म हो जाएगी और इनके साथ हमारी यादें भी खत्म हो जाएंगी। सुनीता, तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ना? तुम्हें कैसे पता चला? आपकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा है। और क्या नजर आ रहा है मेरी आंखों में? आंसू। सुनीता एक बात बता, जो दोस्ती मोमबत्ती जलाने से मिट जाती वो दोस्ती होती है? हमारी दोस्ती तो ऐसी नहीं। राइट, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। जब तुझे मेरी याद आएगी ना तब तू इसे देख लेना। और वैसे भी मैं बस कुछ दिनों के लिए जा रही हूं, जल्दी लौटाऊंगी। पता है, एक बात पूछूं, तो जा क्यों रही? इस सवाल का जवाब तो मैं खुद नहीं जानती। मैं कहां जा रही हूं, कब लौटूंगी, मुझे खुद पता नहीं। लेकिन मुझे एक बात पता है सुनीता, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। तेरे साथ बिताया हर पल मेरे जहन में इस तरह बस गया है कि उसे मिटाना बहुत मुश्किल होगा।
अरे आ गए तुम पंडित जी, यह है मेरी बेटी सुनीता। सुनीता यह है पंडित जी, मैं तुम्हारी कुंडली दिखा रही थी। अरे सुनो तो प्लीज, मुझे इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। आप बार बार मेरी कुंडली दिखाती रहती हैं, मुझे शादी नहीं करना। देख ले पंडित जी, इसलिए मैं कहती हूँ कि इसके लिए आप अच्छा सा लड़का देखिए ताकि मैं इसके शादी करवा सकूँ। ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। लाओ बेटी दिखाओ, तुम्हारे हाथ की लकीरें क्या कह रही है। I'm not interested. सुनीता आओ और बैठो और दिखाओ हाथ। आपके बेटी के सर पर किसी प्रेतात्मा का साया पड़ा हुआ है। सावधान, अगले शिवरात्रि तक उसकी ताकत और बढ़ती जाएगी। इसीलिए इसी वक्त अभी इनकी नजर उतारनी चाहिए। अच्छा, व्हाट रबिश, ये सब क्या है माँ? नजर वजर क्या होती है? तुम चुप रहो, मैं क्या करूँ, क्या लेकर आऊँ? लाल मिर्च, एक अंडा, एक नींबू जरूर लेके आना, और हाँ साथ में अगरबत्ती और दिया थाली सजा के लेके आना। हाँ, इन सब का कितना पैसा लेंगे? पैसा चाहिए ना आपको? सुनीता तुम चुप नहीं रह सकती हो, मारी पूरेगी। यू जस्ट शट अप, बैठो तो, मैं भी आती हूँ। बैठिए। ओम भीम क्लीम चामुंडाए वच्चे। ये लीजिए अगरबत्ती जलाई। अब ये लाल मिर्च को देखो। ओम राम रीम क्लीम चामुंडाए वच्चे। अब ये नींबू देखो। ओम राम रीम क्लीम चामुंडाए वच्चे। अंडा देखो। ओम राम रीम क्लीम चामुंडाए वच्चे। अब आग खोलो, अब इस अंडे पर थूकिए। क्या कीजिए? थूकिए। क्या जो बोल रहे करो ना। ओम राम रीम क्लीम चामुंडाए वच्चे। अगर मेरी नहीं बन सकती ना प्रिया, तो किसी और की भी नहीं बनोगी। प्रिया, प्रिया तुम कहाँ चली गई? प्रिया प्रिया मेरे पास वापस आ जाओ, वरना जानती हूँ ना मैं क्या करूंगा। पिया तुम जानती हो वरना मैं क्या करूंगा।
छुट्टी वाला तुम पिया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? ज्यादा मिस कर रही हूं, मुझे कल पिया को जाकर मिलना चाहिए।